When we started 5-6 years back, we used to be called online brand. And लोग बोलते थे ऑनलाइन ब्रांड कितना बड़ा हो जाएगा ये तो यू नो फिर यू नो देर आर सम इन्वेस्टर्स हु आर सपोज टू बी इन्वेस्टर्स तो जब हमने 1 करोड़ किया तो कहते थे अरे जब 10 करोड़ करेंगे ना तब बात करेंगे ठीक है तब बात कर लेंगे फिर हमने 10 किया कहते अरे 10 तो कर लिया 50 तक नहीं आ पाओगे ठीक है भाई कर लिया फिर हमने 50 कर लिया फिर कहते अरे 50 कर लिया 100 तो बिल्कुल नहीं हो सकता 100 तक तुम नहीं आ सकते इम्पॉसिबल है हमने 100 भी कर लिया फिर यू नो तो यू नो वो होता है ना कि नाउ आई द बेस्ट पार्ट इज व्हेन आई मीट दोज इन्वेस्टर्स आई ऑलवेज से यू नो दैट लास्ट लाफ आई डोंट नो वेदर इज द लास्ट लाफ बट आई स्टिल हैव अ लाफ एंड आई से आई लुक एट देम एंड आई से यू मिस द बोट दिस टाइम लोग कहते हैं कि सीए का क्या फायदा हुआ सीए से मुझे जितना फायदा हुआ ना क्योंकि लोग कहते हैं अब तू मार्केटिंग कर रहा है तो तेरी सीए की डिग्री तो वेस्ट होगी नहीं भाई जितना हाउ मच CA has taught me, nothing else has taught me. You know what I mean? True. See, it is because of knowing, अगर मुझे कुछ करना होगा मुझे पता है अगर 2 दिन भी होंगे ना मैं कर लूंगा क्योंकि बस 24 घंटे होते हैं यू नो 18 घंटे कर सकते हैं स्लॉग कर सकते हैं सीए के प्रिंसिपल्स जो होते हैं फाइनेंस के अगर आपने वो सीख लिए तो लाइफ लॉन्ग आपको यू नो अब तो एज ए सीए यू लर्न ऑल दैट यू नो ऑल दैट एंड यू जस्ट ब्रश अप ऑन दोस स्किल्स गोइंग फॉरवर्ड वैल्यूएशन इज डन बाय CAs. Due diligences are done by CAs. Audits are done by CAs. They are the ones who tell you what you are doing right or wrong. I advise everybody that you should have CAs around you always. जैसे ये बोल रहे थे ना कि सेल्स में इफेक्ट आता है आई डोंट थिंक सेल्स में कोई इफेक्ट आता है क्योंकि इंडिया जो है ना कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है मुझे लगता है वो खरीदेगा फिर भी अपना डिसाइड करके ब्रांड पॉपुलैरिटी हाँ पूरे इंडिया में हो जाती है पीपल नो बोट बट डज दैट इफेक्ट द परचेज डिसीजन आई डोंट थिंक सो पीपल विल स्टिल look at the product look at the value proposition and buy not because that ki aman ka product hai ya piyush ka product hai I don't think that happens in india papad pehle bahut ejections hui start kiya bought marketing different kari products different lai india ko base pasand hai jaise you know baby ko base pasand hota hai to india ko base pasand hai hamare products mein humne base bhari india ko logical price mein bechna khareedna chala to humne ये नहीं कि बहुत सस्ता बेचा बिकॉज बहुत सस्ता तो नैनो भी नहीं बिकी राइट और बहुत महंगा फेल होता है क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबिलिटी कम है तो हमने राइट प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदा बट जब प्रिया ने उस टाइम पे मेरे को बोला था कि तू जाके MBA कर यू नो यू आर यंग यू कैन स्टिल डू एन MBA आई नेवर इवन थॉट अबाउट कि लेट मी डू एन MBA राइट सो शी पुश्ड मी टू डू एन MBA एंड आई वॉज 29 व्हेन आई वेंट फॉर माई आई वॉज 27 when I got married and 29 I went for an MBA so going to an MBA restarting your life at 29 is also tough right so she's pushed me we started we did first year we did 7 then we did 20 for the year yeah for a year then we did 100 in a year so third year you were 100 crores yeah then we did 700 no 300 then 700 then 2000 22 we did around 3000 the $500 million revenue business chal raha hai but we'll do well we'll grow well ek advice jo main logo ko dena chahunga koi log yahan 21 saal ke honge koi 25 ke koi 35 ke ek advice main sabko dena chahunga ki don't be afraid to fail matlab aap fail hoge main bhi hu mereko teen bari teen businesses start kare nahi chale kya farak padta hai but jo maine wahan sikha wo kahin nahi seekh sakte hain theek hai aap chahe business karo chahe entrepreneurship karo आपको ट्राई करना पड़ेगा आपके अपने अगर आप बिजनेस करो तो अपने बॉस के पास जाओ और उन्हें बताओ आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस करो और उसमें ट्राई करो क्योंकि आप फेल होगे तभी सीखोगे नॉट नेसेसरी कि आप फेल होगे क्या पता आपका फर्स्ट आइडिया ऐसा हो कि आप बेस्ट बन जाओ लेकिन डोंट मतलब डरो मत ट्राई करो